पाचपौली थाना अंतर्गत फारूक नगर से शनिवार की दोपहर को गायब हुए तीनों बच्चों का पता तो चला, पर इस तरह कि जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। दरअसल कार से इन तीनों गुमशुदा बच्चों का शव मिला है। अंदेशा है कि बच्चे खेलते खेलते कार में बैठ गए और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। गर्मी और दम घुटने से तीनों की मौत होने की आशंका जताई जा रही है। जानकारी मिलते ही पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार सहित बड़ी संख्या में अधिकारी और पुलिस कर्मी वहां पहुंचे। मृतकों में आलिया फिरोज खान उम्र 6 वर्ष, उसका भाई तौफीक फिरोज खान उम्र 4 वर्ष और चचेरी बहन आफरी निशाद खान उम्र 6 वर्ष का समावेश है। बच्चों के पिता फिरोज और निशाद रिक्शा में कबाड़ जमा करके अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं। शनिवार की सुबह तीनों बच्चे परिसर में मैदान में खेलने गए थे। इसके बाद से उन्हें किसी ने भी नहीं देखा था। बच्चे घर नहीं आए तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की, कहीं कुछ पता नहीं चला तो पांचपावली पुलिस स्टेशन में लापता होने की शिकायत दर्ज कराई गई। तीन बच्चों के गायब होने की खबर से आला अधिकारी भी सकते में आ गए। सीपीएम नीतीश कुमार ने डीसीपी मुमक्का सुदर्शन और गौरव भामरे को खुद जांच की निगरानी करने को कहा। रात तक पांचपौली पुलिस के अलावा यशोधरा नगर तहसील सहित क्राइम ब्रांच की टीमें भी जांच में जुट गई। सभी जगहों बच्चों के फोटो वायरल किए गए। करीब 500 स्थानों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। शाम करीब 6 बजे के दौरान एक व्यक्ति ने बताया कि बच्चे सिद्धार्थ नगर के गार्डन के पास देखे गए। पूरी पुलिस फोर्स ने चप्पा चप्पा छान मारा। एक जगह फुटेज चेक करने पर बच्चे दूसरे निकले। इतवारी और कामटी रेलवे स्टेशन पर भी जांच शुरू की गई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। ऐसे में रविवार की दोपहर सीपी ने पूरे इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाना शुरू कर दिया। फारूक नगर परिसर में कई हैंडलूम कारखाने और व्यापारिक प्रतिष्ठान है। पुलिस ने एक एक कारखाने खंगालने का निर्णय लिया। श्वान पदक को भी बुलाया गया। आखिर खलील एंड सन्स नामक कारखाने के सामने खड़ी कार क्रमांक MH19BJ8174 पर पुलिसकर्मी की नजर पड़ी। कार के भीतर झांकने पर तीनों बच्चे पिछली सीट पर दिखाई दिए। तपती गर्मी में कार के भीतर दम घुटने से बच्चों की मौत हो चुकी थी। गर्मी के कारण तीनों के शव झुलस गए थे और सड़ने लगे थे। वहीं DIG संजय पाटिल, DCP मुमक्का भामरे, अर्चित चांदक और DCP श्वेता खेड़कर मौके पर पहुंची। पूरे इलाके को खाली करवाया गया और फॉरेंसिक जांच टीम को बुलाया गया। कोई तनाव ना हो इसके लिए परिसर में कम से कम 300 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। नागपुर पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने बताया कि खेलते समय बच्चों ने कार का दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया, फिर उसे खोल नहीं पाए। उनकी गर्मी और दम घुटने से जान चली गई। सीपीएम अमितेश कुमार ने बताया कि पुलिस ने बच्चों को ढूंढने की हर संभव कोशिश की। पिछले 24 घंटों से आला अधिकारी खुद फारूक नगर परिसर में बने हुए थे, लेकिन तीनों के शव कार के भीतर मिले हैं। फॉरेंसिक जांच टीम और RTO के अधिकारियों को भी घटना का विश्लेषण करने के लिए स्पॉट पर बुलाया गया। पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि बच्चों की मौत आखिरकार कैसे हुई। परसों सैटरडे को दोपहर को 2:30-3 बजे के आसपास ये तीन बच्चे मिसिंग हुए थे। इसकी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में करीब 7:30 बजे शाम को आई थी। उसके बाद पुलिस ने किडनैपिंग का ऑफेंस रजिस्टर किया था और युद्ध पात्री पे शोध मुहिम शुरू की थी। बहुत बड़े पैमाने पे CCTVs देखी गई थी और लेकिन ये बच्चे नहीं मिले थे। CCTVs पूरी तरीके से माइन्यूटली देखने के बाद ये निष्कर्ष पे पहुँचे थे कि ये बच्चे उसी परिसर में, दो पैरेलल रोड्स हैं और एक उसके कनेक्टिंग रोड है, उस एरिया में ही बच्चे होने चाहिए। ये बात नज़र आने के बाद फिर से बहुत विस्तृत तरीके से कॉम्बिंग ऑपरेशन कल शाम को कराई गई और उसमें ये बच्चे एक कार में बच्चों की बॉडी पाई गई। ये कार बाहर से खुलता था लेकिन अंदर वो नादुरुस्त होने की वजह से अंदर दरवाज़ा अंदर से खोलने का जो क्लैंप होता है वो मिसिंग था और विंडो पेंस नीचे करने की भी जो बटन्स थी वो ऑब्वियसली गाड़ी बंद होने की वजह से काम नहीं कर रही थी। इसलिए बच्चे प्रथम दृष्टि सफोकेशन के वजह से उनकी मृत्यु हुई है ऐसा दिखता है। इंक्वेस्ट कल कराई गई है। पूरी फॉरेंसिक टीम्स और डॉक्टर्स की टीम स्पॉट पे आए थे। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर्स, RTO की टीम, ये सभी आकर के उस एरिया की और उस घटनास्थल की उन्होंने इंस्पेक्शन किया है। इंक्वेस्ट में किसी प्रकार की इंजुरी प्रथम दर्शनी बॉडी पे नहीं दिख रही है। पोस्टमार्टम कराई गई है, रिपोर्ट अवेटेड है। प्राइमा फेसी सफोकेशन से ये डेथ हुआ है ऐसा हमें दिख रहा है। फिर भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस पर एक फाइनलिटी पे पहुंचते आएगा। अभी फिलहाल हमने एक्सीडेंटल डेथ दाखिल किया है
और हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। डेफिनेटली ये बात किसी के नज़र में नहीं आया कि ये बच्चे गाड़ी के अंदर हो सकते हैं, स्पेशली बिकॉज बहुत सारे ऐसे विटनेसेस सामने आ रहे थे कि उनको इस ग्राउंड में खेलते देखा गया, उनको उस ग्राउंड में खेलते देखा गया। जिस जिस ग्राउंड पे बहुत बड़े पैमाने पे लाउडस्पीकर्स की यूज़ की गई थी, पब्लिक अनाउंसमेंट्स की जा रही थी और इस तरह से कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहे थे, वो परिसर की पूरी पड़तालनी की गई थी, लेकिन ऐसा शायद ध्यान में नहीं आया कि वो बॉडी, वो लोग, बच्चे एक बंद गाड़ी में हो सकते हैं। ये हमारे, ये पुलिस की ध्यान में नहीं आया, ये बात वस्तुस्थिति है। और लेकिन इसमें कोई भी किसी प्रकार की इसमें कमतरता पुलिस के मेहनत या पुलिस की कमिटमेंट या पुलिस के प्रयास में नहीं हुई। नहीं, अभी फ़िलहाल मैंने बताया पोस्टमार्टम रिपोर्ट अवेटेड है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस पर आगे एक फाइनल डिसीजन पे हम पहुंच पाएंगे और दिशा मिलेगी तपास को। जहां तक गाड़ी के ओनर की बात है, वो गाड़ी की ओनर की प्राइमा फेसी कोई इंटेंशन की उससे उसमें किसी की मृत्यु हो जाए ऐसी नहीं थी, लेकिन फिर भी जो लावारिस स्थिति में, बेवारिस स्थिति में गाड़ी रास्ते पे खड़ी थी, उसके तहत जरूर मामला दर्ज किया जाएगा। आपको बता दें कि फिरोज और इरशाद के घर की दूरी महज 300 मीटर है। इन दोनों ही घरों के बीच में ये कार खड़ी थी। परिसर में ही गैरेज चलाने वाले सोहेल अंसारी के पास ये कार रिपेयरिंग के लिए आई थी। कार के पिछले गेट को बाहर से तो खोला जा सकता है, लेकिन भीतर का लॉक खराब था। अनुमान है कि गाड़ी में बैठने के बाद बच्चों को समझ नहीं आया कि आखिर दरवाजा कैसे खोले। गर्मी में कार में बंद तीनों बच्चों का दम घुट गया। इस घटना से परिवार गहरे सदमे में है। फिरोज और इरशाद की हालत बिगड़ गई है। आखिर में पूरे परिसर को खाली करवा कर स्पॉट का पंचनामा किया गया। इस दिल दहला देने वाली घटना को जिस किसी ने भी सुना हैरान रह गया। NBC न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्सा अंसारी की रिपोर्ट।